अंगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राजलिरा। आंखें लाल होती चार दिन को आठ दिन को जी। ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? लातूर से बोल रहे हो? जी जी। नहीं तो आंखें लाल होती हैं तो फिर बाद में ठीक हो जाती हैं या कभी कभी होती रहती हैं? हो जाती है, बहुत दुखती है आंखें। त्रिफला आयुर्वेद का एक बहुत सामान्य सी औषधि है। हाँ। त्रिफले को आप लगभग एक चम्मच ले करके रात को एक कप पानी में भिगो दीजिए। भिगो करके आप उस पानी को सुबह आराम से ऊपर यदि कुछ तैरता हुआ दिखाई दे तो उसको हटा लें, फिर बिना हिलाए उसको नितार लीजिए। नितार करके एक बर्तन में रख लीजिए, उस बर्तन में थोड़ा सा पानी और मिला लेना। मिला करके आई वॉश कप मिल जाएगा दुकान पर, जो मेडिकल स्टोर में, तो उस आई वॉश कप से उसमें पानी भर करके उस त्रिफले का पानी को आँख में लगाना है। फिर धीरे धीरे माता जी आँख खोलें बंद करें, आँख खोलें बंद करें, इस तरह से वो कम से कम माता जी 10 मिनट इस क्रिया को करें। जैसे एक मिनट लगभग करने के बाद उस पानी को हटा दें, फिर दोबारा दूसरा पानी ले लें। इस तरह से लगभग लगभग 10 मिनट प्रतिदिन त्रिफले के पानी से माता जी अपने आँखों को धोने के लिए उनको माता जी को कहिए। इससे आपको माता जी को बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा एक बहुत आयुर्वेद की सामान्य सी औषधि है आमल की रसायन। आमल की रसायन इसको ले लेना 100 ग्राम। हाँ। और सप्तामृत लोह ले लेना 20 ग्राम। हाँ। मुक्ता शुक्ति भस्म ले लेना 10 ग्राम। जी बाबा जी। इनको तीनों को मिला करके आपको लगभग 2 ग्राम की मात्रा में माता जी को सुबह और शाम को थोड़ा सा शहद मिलाकर चटाना है। जी बाबा जी। ये 2 प्रयोग करें और माता जी को अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा करवाइए। जी बाबा जी। अच्छा, माता जी को बीपी हाई तो नहीं रहता है ना? नो, नहीं जी बाबा जी, नहीं बीपी। माता जी का पेट भी साफ रहता है ना? हाँ जी रहता है बाबा जी। इतना ही आप प्रयोग करिएगा, आप देखिएगा कि आप माता जी को 5-7 दिन में ही पूरा लाभ होने लगेगा। प्राणायाम करवाइए और जितने उपाय मैंने बताए उसको करिए। और जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो माता जी को जैसे गाजर का जूस है या अनार का जूस है, ये सब भी आप माता जी को दे दीजिएगा आहार में, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आँख का लाल होना, दर्द होना व जलन होना आँखों की बहुतायत में होने वाली परेशानी है और कई बार ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। इसके लिए सामान्य व उत्तम आयुर्वेदिक प्रयोग को अपनाएं। एक चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात को साफ पानी में भिगोएं, सुबह उस पानी के ऊपर की गंदगी को हटाकर बिना हिलाए नितार लें। त्रिफला के इस पानी में थोड़ा सादा पानी मिलाकर आई वॉश कप में भरें और कप को आँख पर लगाएं। कप जब आँख पर लगाएं तो धीरे धीरे आँखों को बंद करें व खोलें। एक बार कप का पानी उपयोग करने के बाद उसे फेंक दें और दूसरा पानी डालें। ऐसा 10 मिनट तक प्रतिदिन नियमित रूप से करें, अवश्य लाभ होगा। आयुर्वेदिक औषधि के रूप में 100 ग्राम आमल की रसायन, 20 ग्राम सप्तामृत लौह और 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म, इन सभी को मिलाकर रखें और 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद के साथ चाटें। नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। सर्दी का मौसम है तो गाजर व अनार का जूस पिए, आराम मिलेगा। Thank you.